नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी और मैं हूं आपके साथ नमन मटके। अभी हम हैं इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में। यदि हम बात करें तो लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में लगातार जो चने की आवक है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति यहां पर देखने मिल रही है, और चने की उतार चढ़ाव की स्थिति के बीच दामों पर क्या कुछ असर पड़ रहा है ये जानने के लिए सीधे जो व्यापारी हैं चने के सुलभ जी उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ स्थिति चने के व्यापार को लेकर वर्तमान में बनती हुई दिखाई दे रही है। सुलभ जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, चने के व्यापार की बात करें तो किस तरह की स्थिति देखने मिल रही है, क्या दामों में असर हमको देखने मिल रहा है और किस तरह की आवक अभी हमारे पास वर्तमान मंडी में है? पिछली बार भी जब अपन ने बात करी थी जब से आज में कुछ कुल भी कहें 200 से 250 रुपए की तेजी है। आवकों का प्रेशर नहीं बढ़ा है, जिस तरह से मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आवक का प्रेशर नहीं बढ़ पा रहा है, उसका कारण भी है कि रोज कुछ ना कुछ तीज त्यौहार चल रहे हैं, छुट्टियां चल रही है, उससे आवक बन नहीं पा रही है, मौसम खराब है, किसान ने अपना माल जो खेत से निकाल दिया है वो कहीं उसके गोदाम में जाके रखा गया है, कहीं कुछ मंडी में छा गया है, पर आवक का प्रेशर नहीं बढ़ने के कारण इसमें दाम कहीं भी वापस से 200-300 रुपये और बढ़ने की उम्मीद है। अभी हाल फिलहाल में हम ये कह सकते हैं कि आवक नहीं और उपज कम बैठने के कारण बाज़ारों में कुछ भी रुझान बढ़ के ही आएगा, कम नहीं होगा यहाँ से। डिमांड की यदि बात करें तो किस तरह की डिमांड हमारे पास चने की है और क्या जितनी डिमांड हमारे पास है उतनी हमारे पास आवक हो पा रही है? डिमांड चने की खेरचु उपभोक्ताओं की है, बाहर की है, घरेलू उपयोग में दालों के लिए है, तो डिमांड बढ़ी है तो उस हिसाब से आवक नहीं बढ़ी है, इससे दामों में हम थोड़ा सा तेज़ी का असर देख रहे हैं। हाँ, अगर डिमांड कुछ कम होती है या कहीं से कुछ आवक बढ़ती है तो कुछ 100 से 200 रुपये का रिएक्शन भी देखा जा सकता है। नीचे से चना कुछ भी 500 से 700 रुपये बढ़ गया है तो यहाँ से 100-200 रुपये का रिएक्शन आने में कोई हर्ज भी नहीं है, और इतना व्यापार के लिए भी अच्छा रहता है कि अगर थोड़ी सी तेज़ी मंदी होती रहे तो। यदि हम बात करें तो चने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 150 रुपये हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, कहाँ तक ये दाम जाएंगे और लगातार जब दाम बढ़ेंगे तो इसका कितना असर मार्केट पर हमको देखने मिलेगा? अभी मार्केट की स्थिति में देखा जाए तो चना कुछ भी यहाँ से 6500 रुपये की एक बार रेंज दिखता है। सबसे सस्ता दलहन है अभी हाल फिलहाल में चना, इससे सस्ती कोई सी भी दाल नहीं है। आज हम मसूर की दाल भी देखें तो वो भी 80 रुपये है, मूंग दाल देखें तो 100 रुपये है, उड़द दाल, तुअर दाल, 170 रुपये करीब है, उड़द दाल 110-115 रुपये है, तो उस हिसाब से 70-75 रुपये की रेंज में सबसे सस्ती दाल है चने की दाल। तो उस हिसाब से अभी चने में कुछ विशेष तेज़ी तो आई नहीं है दूसरे दालों के कंपेरिजन की बात करें, पर हाँ पिछले साल की अपेक्षा चने में कुछ भी 1000 रुपये की तेज़ी है। पिछले साल इस वक्त चने कहीं भी 4800 से 5000 की रेंज था जो कि आज 6000 से 6100-6150 की रेंज में है। लगातार पिछले साल की तुलना में इस साल दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण दाम बढ़ने के हैं और यदि दाम बढ़ रहे हैं तो किसको इसका सीधा फायदा होगा? दाम बढ़ रहे हैं तो इसका सीधा फायदा किसानों को है, उनकी उपज जो कम हुई है उसका उनको लाभ मिल रहा है, और हो सकता है शायद अगले साल चने की उपज बढ़ जाए। और अभी दाम आगे बढ़ने का सीधा सीधा कारण यह है कि क्रॉप का प्रोडक्शन कम है, क्रॉप की यील्ड कम आ रही है, जहाँ बोया है उम्मीद रहती थी 4 क्विंटल 5 क्विंटल चना निकलेगा, वहाँ 2-2.5 क्विंटल 3 क्विंटल चना निकल रहा है, उसके कारण दामों में बढ़ोतरी दिख रही है। यदि हम बात करें हमारे पास कहाँ कहाँ से चना आता है और लगातार चने की डिमांड अब किस तरह की है और आने वाले समय में यदि हम बात करें तो आवक क्या चने की बढ़ सकती है या फिर आवक पर कोई असर दिखेगा? हम चने की आवक जिस हिसाब से भी चल रही है आवक वैसी रहेगी, चने की आवक में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं होगी। गवर्नमेंट के अभी कुछ मैसेजेस वगैरह भी चल रहे हैं कि गवर्नमेंट बाजार मूल्य पे चना खरीदेगी किसानों से, तो आप ये तो मान के चलिए कि गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि बाजार में उपज कम आ रही है तो बाजार बढ़ सकते हैं, उस तेज़ी को रोकने के लिए गवर्नमेंट अपना पूरा प्रयास कर रही है, और हो सकता है कि कुछ कंडीशन में वो सक्सेस भी हो जाए और कुछ कंडीशन में नहीं भी हो पाए। मटर इंपोर्ट करा गवर्नमेंट ने, मटर में भी 200 से 300 रुपये की तेज़ी आ गई है, 42-42.5 रुपये का मटर 4500 से 4600-4700 रुपये की रेंज हो गया है। आगे आपकी नहीं बढ़ी तो बाज़ारों में यहाँ से कुछ भी 6500 रुपये की रेंज के आसपास में बाज़ार आके एक बार रुकना चाहिए, और उसके बाद आगे भविष्य में जो भी तेज़ी मंदी जैसी होगी वो कहीं भी 2-400-500 रुपये की और आगे भविष्य में दिवाली तक तेज़ी हम देख सकते हैं। निश्चित तौर पर तो चना व्यापारी थे जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जो चने की डिमांड है वो लगातार बढ़ेगी, जिसके चलते दाम भी जो है चने के बढ़ते नजर आएंगे। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन मटके।